थैंक यू, जोरदार ताली हो जाए जैनब के लिए। देखिए हम सेलिब्रेट आज फूलों को कर रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे लिए जरूरी है कि आप में वो एनर्जी दिखनी चाहिए, वो स्पार्क है। आप अपना नाम बताओ। ऐसे गुस्सा क्यों? चलो जी, चलो फिर ऐसा कर। आज दिन को एंजॉय करना है, आज शाम तक पार्टी का अलग अंदाज होगा और हम सेलिब्रेट करेंगे। The best of the Lord is this, my guy. यहाँ का पूजा करना है, good to God. इन एक्टिविटी से हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं नौ बहार, यानी नौ बहार ये निमान से हम आगाज करते हैं इन्हीं एक्टिविटी को मिलेंगे। तबान सर आप जानते हैं, आप अपना नाम बताइए सर। आपको अगर कोई भी लाइन याद है, कुछ भी आपको याद है, मुझे देखना है कि आपके स्कूल में लाएंगे कहाँ सुधारे सुधारेंगे। इसके हवाले से बताइए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में अगर आप देखेंगे हर मौसम का एक अलग ही मज़ा होता है और हर मौसम एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है ऑफ़र करता है टूरिस्ट्स को। स्प्रिंग जो है वो हर यहाँ पे कश्मीर में अगर आप देखें ट्रेडिशनली जो बाहर की आमद आमद जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता था ट्रेडिशनली, और हमने उस रिवाज को दोबारा से जो है कायम करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट किया है। ये अगरचे पहले ही दो दिन पहले ही शुरू हुआ है यूसमाग एंड गांधरबल से, आज हमने यहाँ पे श्रीनगर में जबरवन में मेन फंक्शन रखी है। और आइडिया ये है कि यहाँ की जो रिवायत है, ख़ास तौर से जो सेलिब्रेशंस होती है उनको मैसेजिंग, और हमारे जो टूरिस्ट हजरात यहाँ पे है या जो आने वाले हैं उनको ये पैगाम देना है कि वो यहाँ आए और इस मौसम का मज़ा ले लें। आज यहाँ पे ख़ास तौर से जो हमने प्लान किया हुआ है कि जो यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ की जो ब्रेड्स हैं कश्मीर की ब्रेड्स, वो 18 वैरायटी है एथनिक ब्रेड्स हैं, या यहाँ की टीज़ जो है उनसे हम जो है सेलिब्रेशंस को और भी एक नया रंग देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जितने हमारे टूरिस्ट हैं स्प्रिंग को वो एज ए फुल टाइम सीज़न एंजॉय करेंगे। यहाँ चाहे बादाम के शगुफे हों या और भी जो हमारा आगे आने वाले सीज़न में जितने शगुफे यहाँ खिलेंगे, एप्पल के जो ट्रीज़ हैं वो उनके शगुफे खिलेंगे, तो पूरा सीज़न एक जो है एक प्रोडक्ट अपने आप में है। और आज के फेस्टिवल के आगाज़ के बाद आप जानते हैं कि हमारा मेन इवेंट जो है वो टुलिप, जो कि परसों से स्टार्ट हो रहा है, तो टुलिप फेस्टिवल का भी हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी अच्छी मैसेजिंग जाएगी, टूरिज्म चूँकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहा है और इससे और भी अच्छा चलेगा। सर देखिए मुझे लगता है कि वी शुड एक्सपेक्ट दिस विल बी अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 में कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी अच्छा रहा है और विंटर्स में भी काफ़ी अच्छा चला है, और पिछले दो साल से कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाए हैं, और मुझे लगता है कि आपकी बार एक अच्छा मौका है सारे लोगों के लिए यहाँ आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि देयर मस्ट बी अ वेरी गुड नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो टुलिप के लिए और हमारे स्पेशल फेस्टिवल्स के लिए आ जाएंगे।